मुंजिया के खौफ के आगे सब पस्त मोना सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन को दो दिन में चटाई धूल। मोना सिंह और शार्वरी बाग की हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया रिलीज हो गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में ही बता दिया कि आने वाले समय में ये फिल्म कितनी ऊंची उड़ान भरे। फिल्म के कंटेंट को काफी पसंद किया जा रहा है और इसे अच्छी वर्ड ऑफ माउथ मिल रही है। साल 2024 में बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म ऐसी नहीं आई है जिसका टाइट भोकाल अब तक देखने को मिला हो। फिल्में आ रही हैं लेकिन उनकी कमाई की गति धीमी रह जा रही है। कई सारी अच्छी फिल्में पिछले कुछ समय में रिलीज हुई। मेकर्स को उम्मीद थी कि ये फिल्में चलेंगी लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ लो बजट की फिल्में ऐसी भी रही जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इसमें साउथ की हनुमान, प्रेमालू और आदु जीवितम जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। अब एक लो बजट की बॉलीवुड फिल्म आई है जिसने दो दिन में ही अपनी कमाई से हैरान कर दिया है, साथ ही बड़ी फिल्मों को भी पछाड़ती नजर आ रही है। फिल्मों को अच्छी शुरुआत मिली और इसने रिलीज के पहले दिन 4 करोड़ रुपए बटोरे, लेकिन रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन मुंजिया ने लगभग ओपनिंग डे से डबल कलेक्शन किया। फिल्म ने दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपए कमाए। इस लिहाज से दो दिनों में इस फिल्म का कलेक्शन 11.25 करोड़ रुपए का हो गया है। फिल्म रविवार के दिन भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इस लिहाज से इसकी स्टार्ट को बहुत बेहतर माना जाएगा। कब तक निकाल पाएगी बजट? फिल्म का बजट महज 30 करोड़ रुपए का है और ये फिल्म दो दिन में ही करीब 12 करोड़ कमा चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म आने वाले कुछ दिनों में अपना बजट निकाल लेगी और प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। फिल्म में मोना सिंह और शर्वरी बाग के अलावा बाहुबली फिल्म में कटप्पा का रोल प्ले करने वाले सत्यराज भी हैं। प्रेडिक्शन में ये सामने आया था कि ये फिल्म पहले दिन 2 से 3 करोड़ कमा पाएगी, लेकिन फिल्म ने ओपनिंग डे की कमाई से ही सभी को हैरान कर दिया। ये देखने वाली बात होगी कि वीकेंड में अच्छा परफॉर्म करने वाली फिल्म वीकडेज में कितना कलेक्शन करती है। अगर वीकडेज में फिल्म अपनी ग्रिप ऑडियंस पर पकड़ कर रखती है तो ये आने वाले समय में सुपरहिट भी साबित होने का दमखम रखती है।